हेलो बर्डीज। और पता है हम कहाँ पे आए हैं? हम आए हैं एंटीलिया के बाहर। एंटीलिया? एंटीलिया कहाँ है बर्ड? अरे एंटीलिया वो अंबानी का घर है। अंबानी इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और हम सब में रिच कौन है? ये उमेश कुकरेती। तो ये है उमेश का घर। और ये क्या कर रहा है उमेश? ये एंटीलिया में ऐसे लोग रहते हैं? अरे पागल, अरे कपड़े पहन। हाउस टूर है आज, हाउस टूर। जल्दी। तो गाइस फाइनली उमेश रेडी होके आ गया है। उमेश एक्सक्यूज मी, ये घर तेरा है तो तुझे ही हाउस टूर देना है, बता जरा। तो गाइस मैंने क्या किया, मेरे जो पहले का जो घर था उसको मैंने पूरा रेनोवेट किया है। तो ये ऑल बोल सकते हैं कि मेरा नया ही घर ही है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा नया घर। तो हम चालू करेंगे मेरे लिविंग रूम से। तो देखा आपने मेरे घर का एक छोटा सा लुक। तो जैसे आप मेरे लिविंग रूम में घुसते हो ना, सबसे पहले आते हैं आपके पीछे ये एक बहुत ही प्यारी सी वॉल, जिसको बोलते हैं क्या? ये गूगल कर रहा है। एक्सेंट वॉल। पर एक्सेंट वॉल क्यों बोलते हैं इसको? एक्सेंट हो। तो चलो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद मेरे घर नहीं हुआ बस अभी आगे क्या है सब उसके बाद है ना। ये देखिए इतना प्यारा रॉयल ब्लू का 4-सीटर सोफा है, मालूम है ये सोफा जो है ना, अरे क्या इधर बैठना। ये सोफा ना बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें जैसे तुम बैठते हो ना पीठ का ना पूरा दर्द ही चला जाता है। यहाँ पे शिट किसने रखा ये? यार बैठ तू। अच्छा ये इतना प्यारा कंफर्टेबल है तो हमारे लिए चाय भी लेके आ। वही तो सोचना, तूने रखा ना, मैंने रखा। तो ये तो बहुत ही कंफर्टेबल ये है हमारा सोफा है। सोफा के बाद ना हमने ये कस्टम मेड कॉफी टेबल बना के दिया है। अच्छा लग रहा है ये। पता है तुम लोगों को बताने के, ये लकड़ी काटने में खुद गया था। अरे वाह, ये सामने भी बहुत अच्छे सीटर है। इधर अभी मैं तुमको वो बताता हूँ। चले संकेत जल्दी, संकेत जल्दी। ये देखिए ये हमारा। तो ये ना मेरा एक 2-सीटर हमने एक बेंच दिया है यहाँ पे ना, एकदम दो जन बैठ के ना आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। कंफर्टेबली ही बैठ रहा है। अरे वो राज टूट जाएगा। और वो सोफा के ये जो बेंच है ना, बेंच के पीछे ना एक बहुत बड़ा सा एक कांच दिया है। वाह अच्छा है ना, बहुत। इसमें ना लड़कियां तैयार भी हो सकती है, मालूम है क्या? ये और आगे ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम डाइनिंग करते हैं। और ये डाइनिंग एरिया बहुत एक्सपेंसिव है। ये डाइनिंग टेबल मैंने सिर्फ लिया था 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं, थोड़ा महंगा बोल तू। अंबानी ये लिया था मैंने 5 लाख रुपए का। 5 नहीं अंबानी 5 लाख। ओह मुझे अभी याद है। ओहो ये मैंने लिया था 10,000 करोड़ रुपए का। खुश? ठीक है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का लिया था। और इस जो डाइनिंग एरिया को सबसे बेस्ट चीज है जो इस पूरे डाइनिंग एरिया में है, वो है ये चड्डी लायर। चड्डी लायर इसे क्या बोलते हैं? शैंडेलियर। ओह चड्डी लायर बहुत अच्छा है रे। पर ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रीटी है ना। और इसके आगे जाने तुम बैठे ना उधर जाके। और इसके आगे तुम आओगे ना तो ये है मेरा एक अमेजिंग सा टीवी यूनिट जिसमें है एक मंदिर। ए प्रसाद क्या चुराता है? प्रसाद रख उधर, थोड़ा देना प्रसाद। और ये है सबसे मस्त एलेक्सा, वेलकम बर्डीज। आप सबका हमारे YouTube चैनल हंग्री बर्ड्स इनसाइड में स्वागत है। आपका वेलकम कर दिया है क्या? और कुछ पूछना इसको? अच्छा एलेक्सा, व्हाट इज द बेस्ट फूड चैनल इन YouTube? हंग्री बर्ड्स। ये तो पूरी दुनिया जानती है। जरा पूरी दुनिया जानती है। ये चलो अभी हॉल के बाद किचन, लेट्स गो। तो गाइस अभी तक तो आपको घर अच्छा लग रहा है, बट आगे दिखाने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आप इस लॉकडाउन में भी बहुत इजीली डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, और इस ऐप का नाम है अपस्टॉक गोल्ड। अपस्टॉक गोल्ड ना इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसके मोर देन 30 लाख कस्टमर है। इसका जो इंटरफेस है ना बहुत ही ईजी, फास्ट एंड सिक्योर है, और इसमें आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो एज लो एज ₹1। और ये जो गोल्ड है ना ये 99.9% प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट के गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। अभी आपने जो गोल्ड खरीदा ये आपके वॉल्ट में रहता है जो कि 100% सिक्योर है। आप कभी भी मार्केट प्राइस में जाके ये गोल्ड बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो 24/7 की कन्वीनियंस के साथ। सबसे बेस्ट इसमें कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं है, बस 3% का GST, और इसमें जो आपका साइन अप है ना वो भी बहुत फ्री है, और साइन अप करते ही आपको ₹51 का ई गोल्ड मिलता है, और जल्दी ये डिजिटल गोल्ड का होम डिलीवरी स्टार्ट करवाने वाले है कि नहीं अमेजिंग। तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक गोल्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलो अब मैं आपको आगे का घर दिखाता हूँ। चलो गाइज हॉल के बाद अभी ये है उमेश का शानदार आलीशान किचन। आइए, वाओ ये देखो क्या बहुत अच्छा है। हाँ। तो इसमें जैसे कि हेलो हाय हाय हाय, तो ये मेरे किचन में कैसे कि यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, इस तरफ भी एक प्लेटफॉर्म है, उस तरफ भी एक प्लेटफॉर्म है, और हमने ना एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट बनाया हुआ है हमारे इसमें। और क्रॉकरी यूनिट के बाद आप मेरी मम्मी को देखिए, मेरी मम्मी की स्माइल देखिए, ₹20 की स्माइल, ₹30 की स्माइल, ₹40 स्माइल, ₹50 स्माइल, सही जा रहा है। तो मम्मी एक काम करो, अभी मैंने आपको ₹50 का हंसाया ना, yes. तो आप अभी हमारे लिए ₹50 की मस्त वाली संकेत और मेरे लिए कॉफी बना देना। यस कॉफी चाहिए? मैं कॉफी पीता ही नहीं आंटी, पीस आप पीस। अच्छा और उसके बाद पता है संकेत मतलब एक मस्त चीज बताओ मेरे किचन में, जादू दिखा। ये जादू ये देख, ये कौन सी? अरे वो चिमनी होती है ना गैस का, ये लेने ये वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। संकेत संकेत कमान कमान, एक बार संकेत, एक और बार संकेत उल्टा किया, उल्टा इधर से इधर। ओ माय गॉड, ओ अरे वापस से आ, वापस आके एक और बार बंद नहीं हो रहा है, मैं बंद कर दूं। ये हां संकेत मस्त है, पांक पांक, अरे जोर से कर, प्यार से, ये मस्त है, ओ मस्त है। ये क्या चल रहा है खेलने का? कुछ नहीं, सॉरी तो हंस रहा है, मारती थी अभी आंटी जी मुझे। तो गाइस मेरा घर है, ये एक 3 BHK घर है। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा गेस्ट बेडरूम। तो आओ आइए देखिए मेरा, चलो जल्दी से, गेस्ट बेडरूम। मस्त है रे, बहुत ही बड़ा और बहुत ही मस्त है ना, है ना? तो मस्त है ना, बहुत अच्छा, मस्त है ना, मस्त है, मस्त है। अपने घर पे बहुत मनमानी करता है गाइस। तो आप जैसे इस रूम के अंदर, ये मेरा गेस्ट बेडरूम है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बेड रखा हुआ है सोने के लिए, और उसके बाजू में एक बहुत ही प्यारी वॉल है जिसमें हमने छोटे छोटे से नीश रखे हुए, और नीश के अंदर ना हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के सामान रखे उसको और प्यारा दिखने के लिए। और नीश के बाद ये है मेरी दूसरी वॉल, जो मुझे संकेत पेंट ना नया है, जरा ना उधर खड़े रहते। हाँ That's like good बोला था। तो ये है मेरी एक बहुत ही प्यारी कलरफुल वॉल जिसमें हमने 3-4 कलर्स दिए इस वॉल को पूरा और बहुत बड़ा दिखाने के लिए। और उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जगह, जो है कम 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 मेरा स्टडी टेबल। वाओ, तो अब क्या है, मैंने क्या किया है इसमें ना अपने क्यूब्स रख दिए हैं ऊपर, सारे क्यूब्स यहाँ पे हैं। और ये मेरा ना एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये मेरा 10% ऑफ द कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारे क्यूब की कलेक्शन। पर ये तुझे सॉल्व करना आता है क्या? सॉरी ये पूछना नहीं था। कट। तो ये जो वर्किंग डेस्क है ना, यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव काम होता है। क्रिएटिव काम मतलब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पे संकेत और में बैठ के यहाँ पे वीडियो के बारे में सोचते होंगे, या हम लोग सामान क्या लाने को सोचते होंगे, बट नहीं, हम दोनों यहाँ पे बैठ के गेम्स खेलते हैं। वो दूसरा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिएटिव काम हम करते ना, लड़कियों को यहाँ बैठ के इंस्टाग्राम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते है कि नहीं अमेजिंग? ये चलो अब दूसरे रूम में चलो। मुझे जाना है अभी। अरे तुझे जोर से लगी है। गाइस जब तक बाद में दिखा ना बाथरूम। संकेत वॉशरूम जाना चाहता है, तो उसके पहले मैं आपको ना जल्दी मैं आपको अपना वॉशरूम दिखा। ये है मेरा कॉमन वॉशरूम जिसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा नल लगा हुआ है। मस्त है ना? हाँ, आधा घंटा लगता है क्या तुझे? हो गया मेरा। तो ये है हमारा मेरे घर का सेंट्रल पैसेज। आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक्चुअली दो हमने सेक्शन बनाए हैं। यहाँ पे हम एक फैमिली के फोटोग्राफ्स लगाने वाले सारे, जो अभी लॉकडाउन की वजह से हम लगा नहीं पाए हैं। और आप आगे आते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ है जिसके ऊपर है एक हिरन और एक ग्रामाफोन। संकेत ये हिरन का जरा पोस्ट करके दिखा बर्डीज लोगों को। ये नहीं संकेत, मजा नहीं है थोड़ा और? अरे कमर टूट जाएगा यार। वाह संकेत वाह। चल नेक्स्ट रूम दिखा अभी। तो ये है उमेश के मॉम डैड की बेडरूम। मैं बोल रहा था तो मैं बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप इस रूम में आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले दिखता है आपको ये बहुत अमेजिंग सा वॉर्डरोब। और ये बहुत अमेजिंग सा वॉर्डरोब बना है पाइन वुड से। और गाइस ये देखो ना, इसके ऊपर कितना मस्त ग्रूव्स है। ये बहुत ही अमेजिंग है। और ये इस वॉर्डरोब की शोभा बढ़ाता है। शोभा में मम्मी का नहीं, शोभा नहीं आंटी आपको नहीं बोला। अरे नहीं मम्मा, शोभा मतलब घर की शोभा बढ़ाता है। ओके ठीक है। फिर आप यहाँ पे ना पापा के लिए एक छोटा सा वर्किंग डेस्क बना है। और ये है मेरे डैड। यू कैन सी हमारे डैड हमारे चैनल के सबसे लॉयल फैन है। देखो अभी भी बैठ के हंग्री बर्ड्स ही देख रहे हैं। पापा वो जो ये लगाने का 50 रुपये आपको बोला था ना, वो मैं आपको बाद में दूंगा ठीक है। अभी आप कुछ और देखो, अभी वीडियो हो गया ठीक है, वो छोड़ो। तो आप आगे आते हो तो यहाँ पे ना मम्मी के रूम में, तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल बना है। और ड्रेसिंग टेबल के बाजू में एक बहुत ही अच्छा हेडबोर्ड बनाया हुआ है मॉम डैड के लिए। और फिर यहाँ आते हो तो यहाँ पे ना एक छोटी सी बालकनी है। और ये बालकनी में हमने क्या किया है कि हमने बालकनी में रखा हुआ है एक छोटा सा, इसको कुछ तो बोलते हैं कि सिलाई करके। और साथ में रखा है हमने दो मोड़े, हैंडक्राफ्टेड बोलते हैं उसको। हाँ जो भी, ये दो मोड़े रखे हुए हैं। और मम्मी पापा ना शाम को यहाँ बैठ के आराम से चाय पीते हैं। एंड इस रूम का जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, इसे क्या बोलते हैं उमेश? राफ्टर्स। जैसी लकड़ी है, ये एक्चुअल लकड़ी है जो इस रूम में लगा हुआ है। तो जाने से तो जाने से पहले आप एक और बार ये रूम देख लीजिए। यस तो ओह, ये है मेरा बेडरूम। तो सबसे पहले मेरे रूम में आता है ये इतना बड़ा बेड। और ये बेड के ऊपर मैंने क्या लगाया पता है क्या? एक और गद्दा लगाया जिसको हेडबोर्ड बोलते हैं। गद्दा, हेडबोर्ड। और ये हेडबोर्ड किसने बनाया पता है क्या? बहुत फेमस डिजाइनर सब्या साची नहीं, सब्या गाउची। वो मेरे गाँव की है सब्या गाउची। पर तेरे बेड का एक अनोखा चीज पता है तुझे क्या? यहाँ पर सो तू। Okay. गाइस यहाँ पर ना दो जगह है सोने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी गद्दा है ना। ये देखो गाइस हम सोते हैं यहाँ पे। ये देखो क्या मस्त है, मजा आ गया। पिलो दे दूं क्या? पिलो नहीं, पिलो ही है ये, चिपका दे प्रीति इनको। अरे अभी आगे का बता ना। और फिर इसके बाद हमने क्या किया पता है क्या? यहाँ पे लाइट घुसाई है। अरे इसके अंदर भी लाइट है यार। लाइट्स अपने घर में बहुत लाइट्स है, मस्त लाइट है। पर ये देखिए तो ये है। और इसके बाजू में ना एक बहुत दिमाग वाली चीज बनेगी। क्या? रीडिंग। ये जो है ना, ये मेरा रीडिंग एरिया। जिस दिन मेरे को रीडिंग आ जाएगी ना, आई स्वेयर यहाँ बैठ के ना एक पेज पढ़ूंगा बुक का। उमेश ये बुक का नाम बता, एक नॉवेल का। नहीं ये चेयर पे उमेश जिंदगी में कभी नहीं बैठेगा। एक नॉवेल नहीं मालूम मुझसे। ये मस्त वाली चेयर और लड़की को नहीं बैठने मैंने कहा, इस पे कभी ये बैठेगा ही नहीं। हाँ तू यहाँ पे बैठेगा। और इसके बाद जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है क्या, मैं वो दिखाऊं। क्या? मेरा वॉशरूम। हाँ जिधर उमेश एक्चुअली उमेश बेडरूम से ज्यादा बाथरूम में रहता। तो आओ दिखाइए प्लीज। अब मैं आपको हमारा बाथरूम दिखाता हूँ। ये और गर्ल्स तुमने इस बाथरूम में एक अनोखी चीज देखी है क्या? ये देखो ये वाफल्स, ये देखा क्या? ये वैफल सोप मैंने अक्षदा को बर्थडे गिफ्ट में दिया था। ये तेरे घर में? और मैं कब से ढूंढ रही हूँ प्रीति। और डोनट वहाँ भी है। डोनट संकेत के पास है। एक्चुअली ये ना गाइस ये सोप है, साबुन है। ये साबुन है जो एक वाफले करके एक ये था। वाफले नहीं उमेश, वॉफल। ये प्रीति ने अक्षदा को गिफ्ट दिया क्योंकि अक्षदा को वाफल पसंद है इसीलिए। और स्मेल भी सेम आती है। इसको बॉडी में लगा के ना फुल चॉकलेट का खुशबू आता है बॉडी से। आगे दिखा ना बाथरूम में क्या क्या है। ये देखो, ये मेरे बाथरूम में ना एक हमने बाथटब लगाया हुआ है। बाथटब नहीं, उसे बेसिन बोलते हैं। इतना बड़ा इसको बाथटब भी बोलते हैं बे। और बाथटब के बाद ये देखो हमारे रूम में झरना है। सच्ची ये नॉर्मल नहीं है। ये देखो ये नहीं ना, ये झरना। झरना, झरने में संकेत तू मरना। वाओ, इसके अंदर कैसे मरूंगा मैं उमेश? उमेश तू डूब मर जा, सच्ची तू मर जा। चलो अब मैं आपको अपनी बालकनी दिखाता हूँ, आ जाओ। ये है मेरी बालकनी। आप इस बालकनी में अंदर आते तो देखेंगे ये बहुत ही अच्छी और प्यारी सी छोटी सी बालकनी है, बहुत कोजी है। और इस बालकनी में आप देखोगे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हेक्सागन के शेल्फ लगाए जिसमें तीन छोटे छोटे झाड़ है। और यहाँ क्या होता है, कबूतर आते रहते हैं तो उनको भगाने के लिए हमने रखा हुआ है स्केयरक्रो, कौवा। चलो अब मैं आपको एक और मस्त चीज दिखाता हूँ। और अब मैं आपको दिखाने वाला मेरा ड्रेसिंग टेबल। यस ये मस्त है यार, एक साथ बड़ा है, एक साथ तीन लोग तैयार हो रहे हैं। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है तो प्लीज अगर आप, अरे तू क्या तू तैयार है पर सेम दिखता है वही ना बकवास। मैं बोलूं आज तक कभी यूज नहीं किया मैंने ड्रेसिंग टेबल वाला, और इतना बड़ा मेरा बॉडी इज एक्चुअली। उमेश का घर देखिए तो उमेश ऑल सेट फॉर शादी, यू नो तो गाइस अब हम खा रहे हैं खाना और हमारा शूट हो गया है खत्म। तो वीडियो एंड करने से पहले हमें चाहिए कि आप जाके ना एक बार पूरा घर वापस देख के आओ। तब तक हम खाना खत्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइज आई होप आपको मेरा घर पसंद आया होगा। और हमें पसंद आया है घर अक्षदा। अच्छा है कि नहीं? हाँ वैसे इंटीरियर बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर चैनल पे नहीं हो तो हंग्री बर्ड इनसाइड को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अक्षदा फिर से घर देख लेना जाना। हाँ तू देख ले अच्छे से, अभी वीडियो में देख लेते हैं ना। तो गाइस वीडियो हो गया खत्म। अभी जाके डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक गोल्ड ऐप, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। साइन अप में 51 रुपीज भी मिलता है ई गोल्ड में, जल्दी जाइए।